धनबाद शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को कोलकाता से आई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने निगम के साथ संयुक्त रूप से हीरापुर हटिया में संचालित कई दुकानों में जांच अभियान चलाया और भारी संख्या में प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया। साथ ही दुकानदारों को बताया कि कितने माइक्रोन का प्लास्टिक यूज करना है। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया, जबकि कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अभियान के दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोलकाता के सिद्धार्थ जैन, सहायक नगर आयुक्त संतोषनी मुर्मू, अनिल कुमार आदि शामिल रहे। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर दिया है, बावजूद कुछ दुकानदार लालच में आकर और अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इसे बेच रहे हैं। इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैले और दुकानदार भविष्य में ऐसी गलती ना करे, इसके लिए कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। धनबाद नगर निगम CPCB की टीम और SPCB की संयुक्त टीम के द्वारा धनबाद नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक की छापामारी चल रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है और कुछ मात्रा में जब्त भी किया गया है। इससे पहले लगातार 3-4 दिनों से लगातार छापामारी की जा रही है, फिर भी कुछ लोगों के कुछ दुकानदारों ने के पास प्लास्टिक जब्त किया गया है, फाइन भी किया गया है और ये कंटिन्यूस चलेगी। और कोशिश करेंगे निगम और जो टीम है हमारी मिलकर इस अभियान को और हमेशा करते रहें और लोग जागरूक हो। पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अवेयर हो, जागरूक हो, प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें, ना ही करें। और जो भी दुकानदार हैं उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है और निर्देश है, नहीं तो उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस थैंक यू। ये लगातार अभियान चला रही हैं, बावजूद प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, क्या लगता है कहाँ पर कम है, क्या जहाँ से लोग लाया जा रहा है वहाँ पर भी जरूरत ठीक करने की? जी जी, लेकिन हमारे जुरिस्डिक्शन क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र अधिकार में जहाँ तक है, हम लोग उस क्षेत्र में पूरी तरह से इसको सख्त कार्रवाई करते हुए अनुपालन करवाएंगे, सुनिश्चित करेंगे। और लोगों पर अगर ये दोबारा भी पाया जाता है तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो कहाँ से हैं? CPCB की टीम है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, SPCB की टीम है और निगम की टीम है संयुक्त रूप से। हम लोगों का कहना है कि जहाँ से प्लास्टिक आता है अगर वहीं पर रोक लग गया तो हम लोग लाने को मजबूर नहीं होंगे। उस पर भी होगा जो टीम के द्वारा बोला जा रहा है और टीम भी करेंगी उस पर। और ये कोशिश होगा कि पूरी तरीके से प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पूरी तरीके से बंद हो जाए। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अब चलेगा कंटिन्यू।